इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपने वेबसाइट को कैसे हम केवल कुछ मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आप लोग पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि एक वेबसाइट कैसे तैयार किया जाता है। यह इन्फिनिटी फ्री होस्टिंग वाले वेबसाइट के बारे में है जो पिछले वीडियो में हमने तैयार किया था। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ थीम प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करने होंगे। सबसे पहले हम आते हैं यह थीम ऑप्शन पे। अपीयरेंस में थीम ऑप्शन मिलता है आपको, आपको एक थीम इंस्टॉल करना होगा। चूंकि यहाँ पे पहले से यह तीन थीम आपको दिख रहा है, आपको ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद सर्च थीम में आपको एक थीम सर्च करना है, एस्ट्रा। आप लोग पिछले वीडियो में भी एस्ट्रा वाले थीम को इंस्टॉल करना देखे थे कैसे किया जाता है। यह एस्ट्रा थीम है, एस्ट्रा थीम को आपको इंस्टॉल करना है। इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप पूरे वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक बना बनाया वेबसाइट आप अपने वेबसाइट के रूप में यूज़ कर पाएंगे, बस थोड़े मोड़े चेंजेस करके और आपका वेबसाइट तैयार हो जाएगा। इस वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करते हैं। एस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आप देख पा रहे हैं यह इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें एक्टिवेट करना होगा इस थीम को। इस थीम को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद हमें एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। आएंगे आप प्लगइन ऑप्शन में, प्लगइन ऑप्शन से ऐड न्यू पे जाना है आपको। ऐड न्यू में आपको सर्च करना है एलिमेंटर। यहाँ आप देख पा रहे हैं एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर नाम का ऑप्शन आ गया। यह एक प्लगइन है जो आपको आपके वेबसाइट के होम पेज या दूसरे पेजों को डिज़ाइन करने में आपकी मदद करता है। तो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को पहले इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे एक्टिव करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए हमने एक्टिवेट बटन पर क्लिक किया और एलिमेंटर एक्टिवेट हो गया। अब हमें फिर से दोबारा अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आपको थीम ऑप्शन पे आना है और अपने एक्स्ट्रा थीम पे आपको दोबारा से क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस थीम से रिलेटेड कुछ मेनूज हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख रहा है। आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन पे जाना है। एक्स्ट्रा ऑप्शन पे जाने के बाद आप इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन इसको इंस्टॉल करेंगे आप। तो सबसे पहले यहाँ डिटेल्स में चले जाइए। डिटेल्स में जाने के बाद इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको, अगर आप चाहें तो इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। और सीधे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यह समय लेगा और इंस्टॉल और एक्टिव हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक्टिवेटिंग का मैसेज आ रहा है। स्टार्टर टेम्पलेट को एक्टिव करने के बाद आपको दोबारा यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स पे आना होगा। स्टार्टर टेम्पलेट में आने के बाद आपको कई सारे फ्री के, कई सारे प्रीमियम टेम्पलेट मिलेंगे और उस टेम्पलेट में आपका फुल वेबसाइट होगा जिसे आप अपने वेबसाइट के लिए इंपोर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको एलिमेंटर ऑप्शन लेना होगा। एलिमेंटर लेने के बाद आप देख पाएंगे जहाँ जहाँ प्रीमियम लिखा हुआ है वो प्रीमियम प्लगइन प्रीमियम टेम्पलेट हैं, इन्हें आपको परचेज करना पड़ता है। लेकिन जिसके आगे कोई प्रीमियम का टैग नहीं लगा हुआ है उसे आप फ्री में इंपोर्ट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे फ्री के
आपके टेम्पलेट उपलब्ध हैं, आप यहाँ से उन्हें इंपोर्ट कर पाएंगे। इंपोर्ट करने के लिए आपको जो भी प्लगइन, जो भी टेम्पलेट अच्छा लग रहा है आप उसे इंपोर्ट करिए। लोकल बिजनेस के लिए है। आप अगर देखना चाहें इस पूरे वेबसाइट को तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें चार पेज हैं, और यह कैसा होम पेज आपको दिखेगा, कैसा आपको अबाउट का पेज दिखेगा, कैसा आपको मेनू दिखेगा, और कैसा आपको कॉन्टेक्ट का पेज दिखेगा। इस तरह से अगर आपको यह पसंद नहीं आता है तो आप दूसरा टेम्पलेट देख सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा टेम्पलेट आप देख सकते हैं यहाँ से। आप ऑनलाइन कोर्स का वेबसाइट बनाना चाहते तो यह प्लग यह टेम्पलेट बहुत अच्छा है, आप इसे अपने वेबसाइट के लिए यूज़ कर पाएंगे। आप इस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा होम पेज कैसा दिखेगा। होम पेज के बाद इसमें आप देखेंगे ऑल कोर्सेज अबाउट का पेज है, इंस्ट्रक्टर है, प्राइसिंग वगैरह। आप चाहें तो यहाँ पे लोगो वगैरह अपलोड कर देंगे तो यहाँ जो आपको लोगो दिख रहा है यहाँ लोगो चेंज हो जाएगा। चलिए हम इस पूरे टेम्पलेट को अपने वेबसाइट के लिए इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्लगइन बोल रहा है, आप चाहें तो उन प्लगइन को पहले इंस्टॉल कर लीजिए, और नहीं तो स्किप एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे, और अपना यहाँ नेम वगैरह आप डिफाइन करेंगे। यहाँ डिटेल सबमिट करने के बाद यह पूरा का पूरा टेम्पलेट आपके वेबसाइट के लिए इंपोर्ट हो जाएगा, और आपका जो वेबसाइट इस तरह का एक सिंपल वेबसाइट दिख रहा था, एक सिंपल पेज दिख रहा था, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपने टेम्पलेट इंपोर्ट किया है उस टेम्पलेट के पूरे पेजेस आपके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, और वहाँ से आप एलिमेंटर प्लगइन द्वारा पेजों में बदलाव करके और एक पूरा का पूरा वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत कम समय लगेगा और एक अच्छा वेबसाइट, एक प्रोफेशनल वेबसाइट आप आसानी से क्रिएट कर पाएंगे बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। जब आपका वेबसाइट पे यह टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा तो आप अपने वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट कुछ इस तरह का दिख रहा है। आपका जो होम पेज है, ऑल कोर्सेज पेज जो है, यहाँ आप थोड़ा मोड़ा एडिट करके अपने कोर्सेज लगा सकते हैं। अबाउट अस का पेज आप देख पाएंगे,
यह अबाउट अस का पेज है, यहाँ इंस्ट्रक्टर्स का पेज आप देख पाएंगे। आप यहाँ पे अपने फ़ोटो या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं, प्रिंसिपल हैं या प्रोफेसर हैं, उनका फ़ोटो लगा सकते हैं। कॉन्टेक्ट में आप जाके कॉन्टेक्ट का पेज देख पाएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा वेबसाइट एक प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह दिखेगा, और इसमें कैसे हम बदलाव करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।